पर आपका आज की वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार्स इन इंडिया 2021, न्यू इलेक्ट्रिक कार्स 2021, टाटा महिंद्रा मारुति सुजुकी। वेल, ये तो हम लोगों को पता है कि इंडिया में काफी ज्यादा ट्रेंड होता जा रहा है ई व्हीकल्स का। तो अभी हम देख लेते हैं कि वो कौन सी नई कार्स हैं जो 2021 में आ रही हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल जो है आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें रोलिंग पिस्टन्स के चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स ने इस कार को टेस्ला किलर बोला है। रेनॉल्ट 2021 पूरा इलेक्ट्रिक सीजन होने वाला है, शॉक लगेगा। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज सैम सिद्दीकी फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स और आप सभी लोगों को मेरा पिस्टन सलाम। ट्वेंटी में आपको बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखने को मिलेंगे। टाटा की इलेक्ट्रिक व्हीकल नेक्सॉन के सक्सेस होने के बाद अब सारी ब्रांड, सारी कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पूरी जोर शोर से बनाने में लग चुके हैं। और इनफैक्ट जो इंटरनेशनली और ग्लोबली जो गाड़ी बनाते हैं ब्रांड्स लाइक टेस्ला, तो टेस्ला का प्रोडक्ट भी आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। जी हाँ, टेस्ला की गाड़ी भी आपको इस साल इंडिया में देखने को मिल सकती है। और गवर्नमेंट और हमारे सेंट्रल स्टेट भी है, वो भी ऐसे सब्सिडी वगैरह देते हैं और अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं बिकॉज वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, क्लाइमेट के लिए बढ़िया है। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे 5 मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में जो कि इस साल तक आके इंडिया में लॉन्च हो जाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी पहली गाड़ी से जो आपको, हमको, हम सभी लोगों को शॉक करने वाली है। इस गाड़ी को आपने, हमने, हम सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा रोड पे देखा है, हमने इसमें ट्रैवल भी करा है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि हमने इसमें ट्रैवल करा है। हम बात कर रहे हैं वैगन आर की। वैगनआर 2021 में अपना इलेक्ट्रिक वर्जन उतारने वाला है और वैगनआर ईवी आपकी मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल भी हो सकती है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सस्ती है और बहुत सारी चीज़ें भी आपको प्रोवाइड करती है। तो अगर हम इसकी रेंज ही बात करें तो इसके अंदर आप लोगों को, जैसे मैंने बताया कि ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो लिथियम आयन बैटरीज हैं इसके अंदर और एक बार फुल चार्ज में ये गाड़ी आपकी 200 किलोमीटर तक के जाएगी। तो एक बार आप चार्ज करो और 200 किलोमीटर तक के जा सकते हो। उसके बाद में पॉइंट आ गया कि आप इसको रिचार्ज करोगे तो कैसे करोगे और कितना टाइम लगेगा। तो इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा जो कि 40 मिनट के अंदर आपकी 80% तक की बैटरी चार्ज कर देगा। अब अगर इसमें थोड़े से लुक्स की बात करें तो लुक्स आपको थोड़ा सा वैगनआर की तरह ही मिलेगा, लेकिन एक अपग्रेडेड और फ्यूचरिस्टिक वैगनआर आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि इसमें आपको स्प्लिट हेडलाइट्स मिल जाएंगी, इसमें आपको ब्रांड न्यू अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। अब अगर हम इसके इंटीरियर की बात करें तो इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन शानदार सा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, टच स्क्रीन जो कि कारप्ले और एंड्रॉइड कनेक्टिविटी, मतलब स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ बेसिकली आएगा। उसके बाद में आपको इसमें ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स में मिल जाएगा और क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो इसमें आपको क्लाइमेट चेंज कंट्रोलिंग का ऑप्शन भी दिया जाएगा। और पैसा कितना होने वाला है, ये सबसे बड़ा चीज़ है कि कितने पैसे आपको खर्चा करने पड़ेंगे। तो आपके ज़्यादा पैसे खर्चा नहीं करा रही है, 8-9 लाख रुपए के आसपास वैसे गाड़ी आपको पड़ने वाली है। बट अगर आप इसमें सब्सिडीज हटा दो, ऐसे जो भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट आपको सब्सिडी प्रोवाइड करे, तो 7 लाख रुपए के आसपास ये गाड़ी आपको मिल सकती है। वैगनआर को फ्यूचरो ई के नाम से भी जाना जाएगा। तो ये थी हमारी आज की पहली गाड़ी जो कि द मोस्ट अफोर्डेबल कार है अभी तक के, द मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार है। तो जिन लोगों को भी ऐसे वैगनआर, ऐसे छोटी छोटी कॉम्पैक्ट कार चाहिए, जिनको मेंटेनेंस नहीं चाहिए, जिनको अपने पॉकेट पर एकदम भी फर्क नहीं पड़वाना है, तो मेरे हिसाब से वैगनआर बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है बिकॉज इट्स द 2021 वैगनआर और ये पूरी रिवैम्प्ड होकर के आई है और पेट्रोल डीजल में नहीं, इलेक्ट्रिक में आई है। जैसे कि मैंने बताया था ना, शॉक लगेगा। अब देखो, ये था पहला शॉक, अब हम चलते हैं हमारे दूसरे शॉक पे। तो दूसरा आपको जो शॉक लगने वाला है वो आपको लगने वाला है टाटा मोटर्स की तरफ से। टाटा भी अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल टाटा अल्ट्रोस ईवी लॉन्च करने वाला है। तो
तो टाटा की नेक्सॉन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो टाटा ने पहले लॉन्च करी थी वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही और लोगों ने काफी ज्यादा उसे पसंद करा क्योंकि वो उनके बजट में आती थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल थी, ज्यादा पैसे नहीं खर्चा करवाती थी, मेंटेनेंस वगैरह कुछ नहीं था। तो कुल मिला के इट वॉज अ गुड सक्सेसफुल व्हीकल फॉर टाटा। इसी तरह से टाटा का और बढ़िया से मनोबल बढ़ा और वो अपना अब नया प्रोडक्ट लेकर के आने वाला है। इस गाड़ी में भी आपको सेम 30.2 किलोवाट का नेक्सॉन वाला इंजन मिलने वाला है जो कि एक फुल चार्ज पे 300 किलोमीटर तक जाएगा। अब अगर हम इसके चार्जिंग की बात करें तो ये इसमें भी आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिल रहा है और ये एक घंटे के अंदर आपकी 80% तक की बैटरी चार्ज कर देगा। और ये कार फ्रंट व्हील ड्राइव है, जैसे कि मोस्टली कार ऐसे ऑल व्हील ड्राइव है, जितनी भी इलेक्ट्रिक है, बट ये कार ऐसे आपको फ्रंट व्हील ड्राइव में मिलने वाली है। बट इसकी रेंज बहुत ज्यादा अच्छी है, समझ लो एक चार्ज पे आप 300 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो। तो अगर हम इसके लुक्स की बात करें तो लुक्स में काफी ज्यादा अच्छी गाड़ी लग रही है। आप इसको बाहर से देखो, बहुत ही प्यारा हैचबैक का बढ़िया सा लुक दिया गया है। छोटी कॉम्पैक्ट कार है, कहीं पर भी आप लेकर के जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। ये गाड़ी 2021 अगस्त में लॉन्च होने वाली है और पैसे इस गाड़ी के बहुत ज्यादा नहीं है, 11 से 13 लाख रुपए की ये गाड़ी आपको पड़ने वाली है। टाटा एल्ट्रॉस आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है बिकॉज इससे पहले वाली जो सी गाड़ी थी टाटा नेक्सॉन वो भी एक सक्सेसफुल गाड़ी रही है और लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद करा है। तो दूसरी गाड़ी जो उनकी आने वाली है वो और ज़्यादा एडवांस होकर के ही आएगी इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, इन टर्म्स ऑफ मोटर, इन टर्म्स ऑफ लग्जरी, इन टर्म्स ऑफ कम्फर्ट, इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, एवरीथिंग। जो आज की हमारी अगली गाड़ी है वो एक्सयूवी का इलेक्ट्रिक वर्जन है। पहली बार ये गाड़ी ऑटो एक्सपो में शोकेस करी गई थी और इसकी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच और ऐसे बहुत ही शानदार लुक की वजह से लोगों को ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। ये गाड़ी दो वेरिएंट्स में आएगी, इसका एक लो रेंज आएगा और इसका एक हाई रेंज आएगा। तो जो इसका लो रेंज है वो आपका 350 किलोमीटर एक बार में कवर करेगा एक सिंगल चार्ज में, और जो इसका हाई रेंज है, हाई रेंज वाला जो वेरिएंट है वो आपका 400 किलोमीटर कवर करेगा। अगर हम इस कार के लुक की बात करें तो इस कार का लुक बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक रखा गया है। इसमें आपको आगे क्लोज ग्रिल मिल जाती है, बहुत ही बढ़िया से इसमें आपको एलईडी डीआरएल जैसे हेडलैम्प बहुत बढ़िया से मिल जाते हैं। उसके बाद में इसके अलॉय व्हील्स आपको नए मिल जाते हैं और बाहर ऐसे ORVM की जगह पे कैमरे लगे हुए थे जब ऐसे जो हम लोगों ने ऑटो एक्सपो में कार देखी थी। बट जो कार हमें लॉन्च होकर के मिलेगी उसमें आपको ORVM ही मिलेंगे। अब अगर हम इस गाड़ी के लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो ये गाड़ी आपको इस साल 2021 के सेकेंड हाफ में लॉन्च होने को दिख सकती है। और उसी के साथ साथ अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो 15 लाख रुपए के आसपास इसका प्राइस होने वाला है। हालांकि अभी ये प्राइस कंफर्म नहीं है बट इसी के आसपास यानी आगे पीछे ये प्राइस होने वाला है। तो आप लोग इसको देख सकते हो, सेकेंड हाफ में ये गाड़ी रिलीज हो रही है, आप लोग अपनी टेस्ट ड्राइव बुक करा सकते हो। और अब हम चलते हैं अपनी अगली गाड़ी को। अब अगर अभी हम लोग महिंद्रा की बात कर रहे हैं तो चलिए हम अगली गाड़ी के ऊपर चलते हैं और हमारी अगली गाड़ी जो है वो भी एक महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार ही है। वी आर टॉकिंग अबाउट EKUV 100। ये गाड़ी पहली बार शोकेस करी गई थी ऑटो एक्सपो में अंडर द फ्यूचर विजन ऑफ महिंद्रा। तो ये जो हमारी गाड़ी होने वाली है ये पहली ऑल इलेक्ट्रिक इन हाउस गाड़ी होगी महिंद्रा की तरफ से और ये मैजमा 48 प्लेटफॉर्म पर बनाई जा रही है। अगर हम इस गाड़ी के लुक की बात करें तो इस गाड़ी का लुक KUV से बहुत ही ज़्यादा अलग नहीं है, बट हाँ जो इसकी ब्लू हाईलाइट्स हैं और उसी के साथ साथ जो इसकी सीट्स हैं वो बिल्कुल इसे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच ही देती हैं। और फीचर वाइज ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा धनी है। इसमें आपको कूलिंग प्री कैबिन ऑप्शन मिल जाता है, उसके बाद में इसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़िया मिल जाता है, इसमें आपको डुअल ABS मिल जाते हैं, एयरबैग्स मिल जाते हैं, व्हाट नॉट, मतलब जो सारी चीज़ें एक बढ़िया गाड़ी में होनी चाहिए वो सारी गाड़ी इस चीज़ में आपको मिल जाएगी। अगर हम फीचर्स वाइज इस गाड़ी के बारे में बात करें तो इस गाड़ी में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे इसमें आपको केबिन प्री कूलिंग कंट्रोल सिस्टम मिल जाएगा, उसके बाद में इसमें आपको लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम मिल जाएगा, उसके बाद में इसमें आपको ड्राइविंग पैटर्न मॉनिटर मिल जाएगा, इंफोटेनमेंट सिस्टम बहुत अच्छा मिल रहा है, ABS मिल रहा है, समझ लो एयरबैग्स मिल रहे हैं, सब कुछ है इस गाड़ी में कुल मिला के। अगर हम इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको एक सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर मिल जाता है जो कि 54 PS के पावर के साथ ही साथ 120 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो पावर वाइज भी ये गाड़ी सही है। अब बात करते हैं कि कितना रेंज प्रोवाइड करती है, यानी कि कितना एक सिंगल चार्ज में ये गाड़ी चलेगी। तो 150 किलोमीटर एक सिंगल चार्ज में ये गाड़ी चलेगी। अब ये गाड़ी का प्राइसिंग और इस गाड़ी की जो लॉन्च डेट है तो यही
साल 2021 जुलाई के आसपास ये गाड़ी लॉन्च होने वाली है और करीब 8.25 लाख रुपए के आसपास यानी 8.25 लाख रुपए के आसपास ये गाड़ी आपको मिलने वाली है। चलते हैं आज की हमारी आखिरी और लास्ट गाड़ी पे, जिस गाड़ी को इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स ने टेस्ला किलर बोला हुआ है। ये काफ़ी कॉम्पैक्ट कार है जिसको आप ऑलरेडी अभी बहुत ज़्यादा रोड पर देखते हो। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कार है क्योंकि ये छोटी कॉम्पैक्ट कार है और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल भी है ये कार। हम लोग बात कर रहे हैं दी ऑल न्यू 2021 रेनॉल्ट क्विड इलेक्ट्रिक की। जी हाँ, रेनॉल्ट इलेक्ट्रिक कार इज गोइंग टू बी टेस्ला किलर। और ये बात ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स ने बोली हुई है। आप उठा करके अपना इंटरनेट चेक कर सकते हो क्योंकि जो चीज़ें जो फीचर्स ये गाड़ी प्रोवाइड कर रही है वो आपको एक 60-70 या फिर मतलब समझ लो महंगी गाड़ियों में कुल मिलाकर के मिलती है। 2019 से यही सेम कार रेनॉल्ट सिटी के ZE के नाम से चाइना में प्रोड्यूस होकर के बिक रही है। तो अगर ये इंडिया आती है तो इसका CV यूनिट आने वाला है, और इसका CV यूनिट आने का मतलब क्या है कि जो इसकी कॉस्टिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाएगी। 2021 के दिसंबर तक ये गाड़ी आने की उम्मीद है, तो थोड़ा सा इस गाड़ी के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इस गाड़ी में आपको 26.8 किलोवाट की एक ऐसे बैटरी मिल जाती है जो कि 54 PS के पावर के साथ ही साथ 128 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड करेगी। तो एक छोटी गाड़ी के लिए बहुत ही बढ़िया पावर। अब हम फाइनली इसकी रेंज की बात करते हैं कि एक स्ट्रेच में जब एक बार आप इस गाड़ी को चार्ज करते हो, जब एक बार आप इस छोटी सी गाड़ी को चार्ज करते हो, तो ये कितना चलती है बॉस? ये चलती है 271 किलोमीटर। उसके बाद में जब बैटरी ख़त्म होगी तो 80% तक बैटरी चार्ज हो जाएगी इन जस्ट 50 मिनट। ये गाड़ी आपको सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए के आसपास पड़ने वाली है। 10 लाख रुपए में आपको बढ़िया सी एक गाड़ी मिल जाएगी जिसकी थोड़ी सी रेंज भी ज़्यादा है। तो ये थी हमारी आज की 5 गाड़ियाँ, आज की 5 मोस्ट अफोर्डेबल गाड़ियाँ जो 2021 में इंडियन रोड पे बहुत आराम से आप लोगों को दिखने लगी थी। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं, जैसे कि टेस्ला की कंपनी टेस्ला मॉडल 3 अपनी गाड़ी लॉन्च कर रहा है इंडिया में, जो 60 लाख रुपए के आसपास होगी 2021 में लॉन्च हो जाएगी। उसके बाद उसके अलावा आपकी ऑडी ई-ट्रॉन लॉन्च हो रही है जो कि एक कार होने वाली है, और उसके बाद में आपकी वॉल्वो XC रिचार्ज भी लॉन्च हो रही है। तो ये सारी आपकी जो गाड़ियाँ हैं एक्चुअली हाई एंड गाड़ियाँ थोड़ी सी हो जाती है, आपके अफोर्डेबल ऑप्शन में नहीं आते हैं, इसीलिए आज की हमारी लिस्ट में भी नहीं थी। बट हम अगली बार इसको ज़रूर लेकर के आएंगे। अगर आप हमें चाहते हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स पे आप सारी चीज़ें लिख करके बता सकते हो। और जस्ट इन केस अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा, वैसे तो कर ही लिया होगा क्योंकि इतनी देर तक अगर आप मुझे सुन रहे हो तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर लिया होगा, बट जस्ट इन केस अगर आपके दिमाग से स्लिप कर गया है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा करके वो बेल वाला आइकन भी दबा दो, ताकि जैसे ही मैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो डालूँ जिसमें महंगी इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं तो नोटिफिकेशन फ़ौरन आपके फ़ोन पर आ जाए। तो मेरे हिसाब से ये था हमारा आज का वीडियो। हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया आपके लिए इन्फॉर्मेशन देने में, और हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इन जनरल भी। ऐसे ही हम लोगों को प्यार देते रहिए। टिल देन व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज दैट यू गाइस हैव टू कीप ड्रीमिंग, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट। आई विल कैच यू वेरी सून नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। बात करें तो एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि आने वाला वक्त जो है वो तो सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां है रोड पे, हमें जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिलेंगी। मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि बिल्कुल एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, सबसे बेस्ट, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि एक चेंज आ रहा है इस इंडस्ट्री में। क्योंकि अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा हम लोग झेल चुके हैं एनवायरनमेंट को खराब करके, तो अब मुझे लगता है उसको सही करने के लिए भी हमारी ही जिम्मेदारी है कि ऐसे ऑप्शंस निकाले जाए। लेकिन जो उन्होंने पहली गाड़ी की जब उन्होंने जिक्र किया और जो हमारे सामने आई, तो वाकई में हम लोगों को शॉक लगा था। वाकई भाई वैगनार को सुन के वाकई एक वो इक्वेशन है, शॉक लगा 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 शॉक लगा वाकई शॉक लगा। मैं भी कहूंगी कि वाकई में शॉक लगा। और गाड़ियां जितनी भी उन्होंने दिखाई है, 5 की 5 बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। हाँ, मैं एक चीज बात बोलूंगी, अप्रिशिएट करना चाहूंगी, जैसे उन्होंने बीच में डिस्कस किया कि टाटा ने सबसे पहले मतलब इसमें वो ये वाला ऑप्शन लेकर आया, और फिर उसके
बाद वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा और फिर बाकी जो कंपनीज हैं उन्होंने भी अपने अपने जो मॉडल्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया. तो ये चीज बहुत अच्छी है कि आपकी जो लोकल मार्केट है वो कितनी ज्यादा एफर्ट करती है. बिल्कुल, आपके जो है इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म से जो चीजें वो तो बन रही होती है, लेकिन जब आपकी लोकल कंपनियां जो है वो उसमें अपने इनपुट डालती है तो उसकी बरक्स जो आउटपुट आता है और एक प्राइस रेंज जो आती है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि लोकल जब चीज बनेगी तो चीज जो है वो भी सस्ती होगी बजाय इसके कि बाहर से आ रही है. फिर उसके बाद बाकी गाड़ियों की बात करें तो गाड़ियां जो वाकई बहुत खूबसूरत थी, इंटीरियर भी उनका बहुत अच्छा था, और खासतौर पर प्राइस की बात करें तो प्राइस जो है वो काफी ज्यादा हमें नॉर्मल देखने को मिले. विद इन 15 लाख जो है हमें लगभग सारी गाड़ियां देखने को मिली है. फिर फिर उसके बाद मैं माइलेज की बात करना चाहूंगा कि माइलेज भी बहुत अच्छा दे रही है. और इसके साथ साथ ये भी एक अच्छा है कि देखो मैक्सिमम हम लोगों ने जो देखा है कि 50 टू 60 मिनट्स के अंदर बैटरी चार्ज हो जाती है. बहुत सारे ई स्टेशन खुलेंगे. तो यहाँ पे एक और चीज देखने वाली आएगी जो कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है डिसाइड की जाएगी कि जो स्टेशन बनेंगे इनके लिए उन पे बिजली जो इन्हें प्रोवाइड की जाएगी उसकी कॉस्ट क्या पड़ती है, वो यानी कि उसका पर यूनिट जो है वो चार्ज कितना आता है, बैटरी जो है वो कितनी वो पावर खींच रही है अपने आप को चार्ज करने के लिए. ये चीजें बहुत ज्यादा काउंट अब होंगी. यहाँ पे जो है मैं एक और चीज जो है कहना चाहूंगा, इन फ्यूचर में भी इसमें बहुत ज्यादा यू नो बेहतरी आएगी. तो एक जो है ना वो इलेक्ट्रिक वो पावर क्या कहते हैं सोलर प्लेट गाड़ियों पे कुछ इस तरह का होना चाहिए कि ऑटोमेटिकली चलते चलते चार्ज भी हो, बेशक वो ऑटोमेटिक जनरेटर बीच में लग जाए या उसमें जो है ऊपर रूफ पे जो है वो सोलर प्लेट को इस तरह कवर कर दिया जाए. तो इस तरह का इन फ्यूचर कोई ऑप्शन होना चाहिए. और वैसे जब जहां तक हम लोगों ने वीडियो देखी है तो मुझे थोड़ा सा यही आइडिया हुआ कि कुछ कंट्रीज में तो मुझे लगता है ई व्हीकल स्टार्ट हो चुकी है. जिस तरीके से वो दिखा रहे थे कि बैटरी चार्ज करने के लिए प्लग इन किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि काफी कंट्रीज में मे बी ये स्टार्ट हो चुकी है. बिल्कुल, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें दुनिया के कई मुल्क ऐसे हैं जो कि इन फ्यूचर प्लान कर रहे हैं कि टोटली इलेक्ट्रिक कार हो, बल्कि पूरे पूरे ऐसे शहर बसाए जाए जहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स ही चलें. बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये वाकई में अच्छी एक चीज है. और सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगती है, मैं जब भी इंडियन कार्स देखती हूँ तो एक तो उनका स्टाइल बहुत अच्छा होता है, उनमें काफी सारे अच्छे ऑप्शंस और फीचर्स आपको मिल जाते हैं, प्लस आपको जो प्राइस रेंज मिलता है वो बहुत अफोर्डेबल होता है. और मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही होती है एक कस्टमर के लिए कि वो हमेशा वो चीज खरीदना चाहेगा जो कि देखने में भी अच्छी लगे, उसको फीचर्स भी अच्छे मिले और प्राइस रेंज में भी उसकी हो. सबसे बेहतरीन चीज यही आती है जो चीज आपके बजट में हो. और बाकी कंपनियों की बात करें तो कंपनियां जिस तरह प्राइस ऑफर कर रही हैं, जैसे वैगनआर की बात करें 8 लाख रुपए में वैगनआर, वो भी इलेक्ट्रिक वाली, यहाँ पे आप सोच नहीं सकते कि वैगनआर इतने मिलेगी. वैसे अभी तो खैर इलेक्ट्रिक का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वैगनआर का अभी पेट्रोल पे ही चल रही है. तो अगर मेरा ख्याल आएगी तो सबसे पहले तो आपको जो है ना उसके लिए स्पेशल पावर स्टेशन बनाना पड़ेगा जहाँ पे लोड शेडिंग ना हो. ये मुझे नहीं पता कि वो ही वाली ई स्टेशन होगा जिसके इलेक्ट्रिसिटी के साथ कोई कनेक्शन है, या ये किसी कोई और टाइप की होगी ई स्टेशन होंगे जो कि बैटरी को चार्ज करने के लिए होगा. तो ये तो बाद में पता चलेगा और कुछ आप कमेंट सेक्शन में हम लोगों को बताएंगे. पाकिस्तान में ये कब तक लॉन्च होगी ये आप बिल्कुल भी नहीं जानते, और मुझे लगता है कि इसका अंदाजा अभी तक हम लोग लगा भी नहीं. वैसे अगर पाकिस्तान में बात करें तो इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो सुना है कि अनकरीब जो है लॉन्च की जाएंगी पब्लिक के लिए. तो लेकिन न्यूज़ भी पड़ी थी इसमें स्टेशन के बारे में, इस्लामाबाद में है. लेकिन अगर बात की जाए पूरे पाकिस्तान को कवर करने के लिए तो उसमें एक आपको काफी टाइम लग जाएगा. बात कर रही हूँ आम लोगों के इस्तेमाल में आने के लिए, मैं उनकी बात कर रही हूँ गाड़ियों. हाँ, आम लोगों के इस्तेमाल में आने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि लोगों को ना वो एक जो चेंज है ना उसे हजम करने के लिए जरा यू नो वो खिलाना पड़ता है. नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है लोगों को चेंज करने के लिए इस तरह करना पड़ता है. मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पॉलिसी इस तरीके की होनी चाहिए जो कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें. जैसे अगर हम अभी इंडियन गवर्नमेंट को देखते हैं कि उनका फोकस काफी ज्यादा ई व्हीकल्स पर काफी टाइम से चल रहा है, और उन्होंने काफी ज्यादा डाइवर्ट करना भी शुरू कर दिया है अपने लोगों को. तो मुझे लगता है कि ये एक गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. दूसरा ये कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग का ये बहुत अच्छा फायदा होता है कि आपका कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है और कस्टमर के लिए आसानी हो जाती है चीजें चूज करने में, क्योंकि उसको और बेहतर ऑप्शंस मिल जाते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आपकी लोकल जो इन्वेस्टमेंट है और जो लोकल आपकी कंपनीज हैं उनका जो योगदान होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लोगों को चीजें लेने में. तो गाइस ये तो थी हमारी आज की वीडियो. आई
होप आपको अच्छी लगी। इसमें से आप कौन सी गाड़ी देखकर शॉक हुए हैं जरूर बताइएगा। हम तो वैगनार देखे हुए हैं, और क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग काफी सारी गाड़ियों की वीडियोस देखते भी हैं, मे बी समटाइम्स रिपीट भी हो जाती हो, हम लोग को याद ना रहता हो, बट ये कि सारी की सारी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। लेकिन आपने कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सी आई और आपके बजट में सबसे ज्यादा कौन सी है, जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। और हमारे वीडियो चैनल प्रेयर से। Goodbye.